A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले के नईगढ़ी से, जहां कल दोपहर 1 बजे घर से नाराज होकर युवक ने देवलाहा जलप्रपात पर छलांग लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर नईगढ़ी पुलिस पहुंची। सर्चिंग जारी है। नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि रंजीत साकेत घर से नाराज होकर चला आया था और जलप्रपात में छलांग लगा दी, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही नईगढ़ी पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक शव का पता नहीं चल पाया है। युवक किस बात पर नाराज था, पुलिस इसका भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। सर, अभी एक मामला प्रकाश में आया है, बहुत ही अष्टभुजा वाटरफॉल का। यहाँ एक पथरौड़ा गांव का एक लड़का है, साकेत परिवार का, जो है कल दोपहर से उसके पिताजी ने सूचना दी थी कि किसी कारण से परिवार के विरोध में वो आके नाराज होकर कूद गया है। सूचना पर हम लोगों ने जो है कल से ही लगे हुए हैं, और करीब कल एक टीम सर्चिंग लगाई थी, 12-13 लोग टीम अंदर गई थी सर्चिंग में। अभी तक कल पता नहीं चला, आज भी 2-3 लोग गए थे, कोई सर्चिंग में बॉडी अभी मिली नहीं है, और प्रयास अभी जारी है लगभग। और पानी में भी कोई ऐसी चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना कर दिया गया है, और SDRF जो टीम रहती है उसको भी सूचना दी, वो भी टीम आई रही है। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, चूँकि घटना ऐसी है कि बॉडी का पता नहीं चल रहा है। हाँ, उसमें चूँकि जब तक चीज़ें दिखेगी नहीं, क्लियर नहीं होगा, तो और वैसे भी नेचुरल 450 फीट गहरा है, तो वहाँ बगैर किसी सुविधा के तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। और सर्चिंग ऑलरेडी हो रही है, टीम वहाँ तक पहुँच गई है, लड़के वहाँ सर्चिंग में लगे हुए थे, स्थान जहाँ नीचे वहाँ तक पूरी टीम गई हुई थी, कोई ऐसी चीज़ अभी दिखी नहीं है। जब तक दिखती नहीं है, तब तक कोई ऐसा कैसे अनुमान लगा जाए कि कहाँ पर चीज़ है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद अभी तक SDRF, हाँ, सूचना दे दी गई है, SDRF भी रवाना हो गई है, और उसके बाद आने का अनुमान है नईगढ़ी। अब रीवा से रवाना हो गई, तो लगभग जो भी टाइम उनका लगेगा। रीवा की अगली खबर की बात करते हैं। रीवा में आज फुटबॉल खेल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां युवाओं को फुटबॉल से जोड़ने और नशे से दूर रखने के उद्देश्य से शहर में रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की हिदायत दी गई, साथ ही जानकारी दी गई कि 10 दिसंबर से 9वीं बटालियन SAF फुटबॉल मैदान में 35वीं जिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। रैली के माध्यम से बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा के विश्वविद्यालय थाना बाईपास बड़ा कोठार में नहर के पास फिर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गिट्टी से ओवरलोड हाईवा ने बाइक सवार युवक को ठोकर मारी, जिसके कारण युवक बुरी तरह कुचला गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे रोड के लो मेंटेनेंस, खराब रोड और वाहन चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस दौरान बाइक के परखच्चे भी उड़ गए। डंपर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, और मृतक युवक की भी शिनाख्त जारी है। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub. गेट योर ड्रीम जॉब. एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।